और अमेठी को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी सामने आ चुका है और अब तो पोस्टर लग चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर। रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा था कि देश के हर कोने में इस पर चर्चा चल रही है, ये जनता की पुकार है। उन्होंने कहा था कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं। अब अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। यह आप पोस्टर देखिए, गौरीगंज कस्बे समेत कांग्रेस कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। और अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में जो पोस्टर लगाए गए हैं और उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है, उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने निशाना साधा। अब ये उनके साले साहब बताएंगे कि जीजा जी को लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। इसके ऊपर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना यह है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा के बारे में सोचें तो वो सबकी संपत्तियों पे उनकी भी नजर रहती है यहाँ के। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा तो इस काम के लिए माहिर माने जाते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी कब्जा करो। तो इस तरह से रॉबर्ट वाड्रा पर बृजेश पाठक निशाना साध रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा तो इसके लिए मशहूर हैं कि प्रॉपर्टी खरीदो, कब्जा करो। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से बीजेपी के नेताओं पर भी कई बार इस तरह के बयानों को लेकर निशाना साधा गया। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एक बयान दिया और कहा कि इस बात की चिंता है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो ना हो, लेकिन उनके जीजाजी को अमेठी का पता है। अगर उनके जीजाजी को अमेठी का पता है तो हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बहुत मेहनत से अमेठी को सजाया था, इसे रोजगार दिए थे। स्मृति ईरानी ऐसी सांसद निकली जिनके समय में रोजगार देने वाली फैक्ट्रियां बंद हो गई। पहले उनके बारे में बात करें और उनके कागजात दिखाएं, बात को न छुपाएं। हम भगवान जी से कह प्रधान जी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लॉक कहाँ है तो अंतर नहीं पता। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भिटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाए। आज अगर राहुल गांधी से पूछ किया जाए इन्होना कहाँ है, पर होना कहाँ है, वो नहीं बता पाए। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुनी है। इससे जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। स्मृति ईरानी जी, हमने तो बहुत मेहनत से राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी ने अमेठी को सजाया था, रोजगार दिए थे। आप ऐसी सांसद निकली जिसके समय में जो यहाँ रोजगार देने वाले फैक्ट्रियां थी बंद हो गई, यहाँ जो लोग रोजगार दे सकते थे, जो आने वाली थी, चाहे वो पेपर मिल हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, ऐसे 7 संस्थान चले गए। तो पहले उनके बारे में जवाब दीजिए, उनके कागजात दिखाइए, उसको मत छिपाइए।